आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। आशी, आज मैं आपको शेर चिल्ली की कहानी सुनाऊँ क्या? हाँ। एक गांव था, वहाँ पर एक मूर्ख सा व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ अपनी ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर सुनाता था। उसकी आदत ही थी कुछ ना कुछ कहने की। एक छोटी सी चीज़ होती थी उसको पहाड़ बना देता था, तो सब लोगों ने उसका नाम शेख चिल्ली रख लिया। एक दिन क्या हुआ कि शेख चिल्ली नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, तो गांव के सारे बच्चे पहुंच गए। शेख चिल्ली भाई, शेख चिल्ली भाई, आप एक कोई कहानी सुनाइए। तो शेख चिल्ली ने कहा, ठीक है मैं सुनाता हूँ। तो शेख चिल्ली ने कहा कि मेरे पिताजी ने एक खेत में एक बोरा चना का बो दिया, तो उसमें से इतने चने निकले कि उनको हजार आदमियों ने काटा, और उन हजार आदमियों ने उनको 2 महीने में काट पाया। 60 दिन में तो वो चने कटकर खेत में आए, और खेत में आने के बाद उन चनों में से दाय की गई, फिर उन चनों को निकाला गया, तो 3 महीने और लग गए। तो 5 महीने बाद वो चने 900 ऊँट पे लेकर हमारे पिताजी घर पे आए। फिर हमारी माँ ने उन चनों को दरा, दरने के बाद उनने उनका देवल बनाया, और देवल बनाने के बाद फिर हमारी माँ ने क्या किया, एक बड़ी सी कढ़ाई में बेसन बनाया, और बेसन बनाने के बाद एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ बेसन को घोरा, और घोरने के बाद उन्होंने उस कढ़ी को बघारा, और कढ़ी को बघारने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसमें बढ़िया धनिया मिर्च मसाला डाल के और भजिया डाल के कढ़ी बनाई। और जैसे ही कढ़ी उबलने लगी तो वो जो 900 ऊंट थे जो कि हमारे बगीचा में बंधे हुए थे, वे सारे 900 के 900 ऊंट उस कढ़ी में से उबल उबल के बाहर आने लगे। हाँ, तो सब बच्चे चिल्लाने लगे, शेख चिल्ली फेंक रहा है, शेख चिल्ली। तो उसकी नींद खुली, वो तो कुछ कुछ बोलता रहता था, और उसने कहा, बच्चों मुझसे गलती हो गई, आज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, मुझे क्षमा कर दो। ऐसे थे हमारे यहाँ के शेख चिल्ली। कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी थी।